बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन होगी स्कूल्स और कॉलेजेस को लेकर के। मैं इसमें सबसे पहले स्कूल्स की सिचुएशन देखना चाहूंगी, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल क्या सिचुएशन दिखा रहा है, बंद होने चाहिए स्कूल या नहीं, या सरकार बंद करेगी कि नहीं, ये भी मैं देखना चाहूंगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, भी मुझे बताएं कि महाराष्ट्र स्टेट में जनवरी के महीने में 2022 में क्या स्कूल्स बंद रहेंगे। अगर बंद रहेंगे तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि बंद नहीं रहेंगे। नेगेटिव कार्ड है महाराष्ट्र में, नेगेटिव कार्ड है, बंद नहीं रहेंगे। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि महाराष्ट्र स्टेट में क्या फरवरी के महीने में स्कूल्स बंद रहेंगे। फरवरी 2022 में अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, पॉजिटिव कार्ड को मैं हाँ समझूंगी कि बंद रहेंगे, नेगेटिव कार्ड को ना समझ, ये पॉजिटिव कार्ड है, बंद रहेंगे फरवरी में, बंद रहेंगे। मैं मार्च देख लेती हूँ, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि मार्च 2022 में महाराष्ट्र स्टेट में स्कूल्स बंद रहेंगे। अगर बंद रहेंगे तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, पॉजिटिव कार्ड है, बंद रहेंगे, पॉजिटिव कार्ड। अप्रैल में देख लेती हूँ, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, भी मुझे बताएं कि अप्रैल के महीने में क्या अप्रैल 2022 में स्कूल्स बंद रहेंगे महाराष्ट्र स्टेट में। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, पॉजिटिव कार्ड है, बंद रहेंगे, बंद रहेंगे, उनको बंद करना भी चाहिए, अप्रैल में बंद रहेंगे। कहीं कहीं पर हो सकता है हल्का सा 30-40% केवल खोले, अदरवाइज बंद ही रहेंगे। मैं कॉलेजेस का देखना चाहूँगी इसमें जनवरी टू अप्रैल तक का। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि महाराष्ट्र स्टेट में जनवरी के महीने में, जनवरी 2022 में कॉलेजेस जो कि हायर एजुकेशन के हैं, क्या वो बंद रहेंगे कॉलेजेस। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, पॉजिटिव कार्ड, कॉलेजेस बंद रहेंगे महाराष्ट्र में। मैं फरवरी का देख लेती हूँ, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि फरवरी के महीने में कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन के हैं महाराष्ट्र स्टेट में, क्या बंद रहेंगे फरवरी 2022 में। अगर बंद रहेंगे तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, नेगेटिव कार्ड है, नहीं बंद रहेंगे फरवरी में। ये हो सकता है कि खोले, और हाँ खोलेंगे, नहीं बंद रहेंगे। मैं इसमें मार्च में देख लेती हूँ, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि मार्च के महीने में कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन के हैं, क्या वो खुलेंगे मार्च के महीने में 2022 में महाराष्ट्र स्टेट में। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, पॉजिटिव कार्ड है, मार्च में ये फिर से बंद हो जाएंगे, पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल बंद हो जाएंगे मार्च में। मैं अप्रैल चेक कर लेती हूँ, उसमें मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन के हैं, क्या वो बंद रहेंगे अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेजेस, क्या बंद रहेंगे। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड, बंद रहेंगे अप्रैल के महीने में, बंद रहेंगे। और बाकी महाराष्ट्र स्टेट का मैंने कोरोना का स्टेटस लॉकडाउन का निकाला था, उसको आप देख लीजिएगा और प्रिकॉशन लीजिए, उचित दूरी बना के रखिए, आयोग की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस कोरोना गाइडलाइंस की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए हमेशा, रखिए अपने पास, मास्क अपने पास रखिए हमेशा से, दूरी जितनी बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए, सेहत के लिए और आपके अपनों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें मैं ये भी बता दूँ कि क्योंकि आने वाले समय में थोड़ा कठिन समय है, सबका नया साल अच्छा जाए उसके लिए नए साल में प्रिकॉशन लेना, सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे और अपनों के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है जो इस तरफ से। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।